नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर मामूली चोरी पर टूटा दबंगों का कहर। नाबालिग लड़की की उपचार के दौरान मौत, दबंगों में नहीं रहा पुलिस का कोई खौफ। छतारी थाना के सादाबाद 13 वर्षीय प्रशांत खेत पर गेहूं काटने गया था। आरोप है कि 20 रुपए चोरी करने का आरोप लगाते हुए गांव के ही दबंग सचिन, अमरदीप, दलवीर व चेतन ने प्रशांत को पकड़कर एक पेड़ से बांधकर लाठी डंडे और बेल्टों से इतनी बर्बरता पूर्वक पिटाई की कि उसे अधमरा कर डाला और फरार हो गए। पीड़ित किशोर को बुलंदशहर से हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया और चार के दौरान उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर संवाददाता MS खान की रिपोर्ट। बड़ा लड़का का भी मार दिया था, अभी ये भी मार दिया छोटा, और ये लोग से पांच, एक महेंद्र, मरदीप, सचिन, एक दलवीर और चेतन। मैं गांसालादार से बोल रही हूँ और मेरे बच्चे को ले जाकर कलवा, सचिन, अमरदीप वहाँ ले भगवान दास के कुआं पर ले गए और वहाँ दुष्यंत कुमार है। मैं भड़पुरा का रहने वाला हूँ, जिला कासगंज, और मेरी जो सिस्टर है वो सालाबाद का नगला है, उसमें शादी हुई थी। मुझे फ़ोन पर खबर पहुंची तो बताई कि ऐसे ऐसे मतलब हमारा बहन जाए, तो कल्लू और जो अमरजीत, सचिन और चेतन, दलवीर, इन लोगों ने खेत पे ले जाकर 12 और 1 के खेत में बहुत ज़्यादा पिटाई लगाई। जब ज़्यादा ये हालत ख़राब होगी तो सर हम यहाँ से बुलंदशहर जिला अस्पताल के लिए ले गए। वहाँ जब ले गए तो ज़्यादा ही गंभीर हालत बताई। पीछे से दरोगा जी साहब, राम नारायण और ओम प्रकाश, तो वहाँ जब पहुँचे तो वो फैसला